नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाटा मोटर्स के ऊपर है। मैंने उसमें लिखा है बाय सेल या होल्ड, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताना जा रहा हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है इसका भी एक आपको व्यू दिखा दूंगा कि कैसे आप भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ओके, तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने जो टाइम फ्रेम है ये 1 मंथ का लगाया है, मतलब एक कैंडल का वैल्यू 1 मंथ है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए 1 मंथ सबसे बेहतर होता है। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। टाटा मोटर्स का शेयर 1997 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। ओके, तब जब लिस्ट हुआ था तब उसका प्राइस कुछ 69 के आसपास था। ओके, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला कैंडल सबसे पहला वाला, ठीक है। जब लिस्ट हुआ था तब उसका प्राइस कुछ 69 के आसपास था। ओके, तो उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, वेट कीजिए थोड़ा सा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो जब से लिस्ट हुआ है तब से उसने अपने जो लाइफ टाइम लो था उसको कितनी बार रिस्पेक्ट किया है देख सकते हो, स्क्रीन पे देख लो। ओके, तो यहाँ पे देख लो, 1998 में एक बार नीचे आया था, उसके बाद ये पूरा साइडवेज गया 2-3 साल, उसके बाद 2008 का जो मार्केट क्रैश हुआ था वहां पे आया, फिर से एक बार सपोर्ट लिया, मतलब ये फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, और ये 2020 का क्रैश में फिर से एक बार अपने पुराने लेवल पे आ गया था। मेरा कुछ बाइंग 72 के आसपास का है, इसी के आसपास का। ओके, तो ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम हो गया। तो देख सकते हो जब भी अपने ये सपोर्ट के पास आता है तो एक बाउंस बैक आता है, ठीक है। सेकेंड टाइम देख पा रहे हो, यहाँ से एक बाउंस बैक आया। तो 2008 का मार्केट जब क्रैश हुआ था तो उसके बाद जब ये 69 को रिस्पेक्ट किया अपने लाइफ टाइम लो के सपोर्ट के आसपास, तो लगभग हाई लगाया था 590, मतलब 600 रुपए का हाई लगाया था। ईयर था 2015 में एक बार लगाया, और उसको रीटेस्ट कब किया, रीटेस्ट किया एक साल के बाद 2016 में, और उसके बाद उसका डाउनसाइड मोमेंट शुरू हो गया। ओके, तो देखेंगे कि ये हो गया 1 मंथ का एनालिसिस हमारा, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम जब आप एनालिसिस करते हो तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं वीकली फ्रेम में भी एनालिसिस करके दिखा दूंगा। ओके, तो स्क्रीन को फॉलो कीजिए, देख सकते हो ये मैंने जो चार्ट लगाया है इसका अभी एक कैंडल का वैल्यू 1 वीक है। ओके, तो ज्यादा दूर का नहीं, एक साल का पहले से स्टार्ट करेंगे, 1-2 साल का पहले से, ठीक है। 2017 से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो 2017 का जो हाई है वो 546 है। ओके, यहाँ पे राइट साइड में देख लीजिए, आपको प्राइस पता चलेगा। उसके बाद क्या किया, डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, टोटल डाउनफॉल है ये। ओके, उछाल कब आया था इसमें, जब इसने गिरना स्टार्ट किया था तो ये 2019 में एक बार उछाल आया था, तब कितना का उसने हाई लगाया था, 238 का लगाया, उसके बाद नीचे गया, और उसके बाद एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जो हाई था वो टेकन आउट नहीं हो सका। टेकन आउट का मतलब यही होता है, जब प्राइस एक्शन अपने पुराने हाईज या लोज ब्रेक नहीं करता है तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि वो ऊपर जाना नहीं चाहता, या जो बड़े ट्रेडर्स है वो उस स्टॉक को या पर्टिकुलर इंडेक्स को ऊपर लेके नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि 1 डे का टाइम फ्रेम में इसका अभी हालत क्या है। ओके, अगर आपको वीकली बेसिस पे ट्रेड करना है तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे बेस्ट है। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो आपको हाई दिख रहा है ये 200 का, ये जनवरी महीने का हाई है, जनवरी और फरवरी का बीच का है, और ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना था ये फरवरी के फर्स्ट वीक में था, उसके बाद कोरोना के कारण ये लगभग 200 रुपए से लेके कहाँ तक आ गया था, 64 तक आ गया था। और मैंने पहले आपको 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम बताया था उसमें ये थर्ड टाइम अपने लाइफ टाइम लो के आसपास सपोर्ट ले रहा है, उसका मतलब क्या है, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो सीधा मतलब है कि इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रहा है
तो ये फिर से अपना जो लो लेवल है 64 का, ये फिर से कभी रीटेस्ट नहीं करेगा। ओके, तो आप समझोगे, आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहे। तो चलिए और भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ओके, कुछ मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से देख लीजिए। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन होगी। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी है स्टॉक की, मतलब जो कैंडल है उसके नंबर ऑफ जो शैडोज है, या अपर शैडोज है लोअर शैडोज है, वो टच होना चाहिए, तो आप उसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये 23 मार्च 2020 को नीचे आया था, यहाँ पे एक बार, फिर से एक बार, और फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर से यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की। मतलब ये आ गया फर्स्ट टाइम, ये आ गया सेकेंड टाइम, और ये आ गया थर्ड टाइम। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंस है वो थर्ड टाइम है। मतलब अगर कोई भी स्टॉक किसी भी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास मोर देन 3 टाइम जा रहा है तो वो वीक बन जाता है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको पता होगा, लॉ ऑफ स्ट्रेंथ भी पता होगा, जैसे कि फिजिकल फिजिक्स में जो लॉ लागू होते हैं उसके अनुसार यहाँ भी कुछ लॉज यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो पुराने लेवल्स है उसके, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन भरा वीडियो है, आप आगे जाके ऐसे खुद का एनालिसिस कर सकेंगे। ओके, तो देख लीजिए ये जो लेवल है, मतलब यहां से जब उसने सेकेंड टाइम का ये सपोर्ट था ना, सेकेंड टाइम जब ऊपर जाने की कोशिश की तो ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन था वहां पे सेलर आ गए और सेलर ने पहला सेल कर दिया। लेकिन अगर सेलर को नीचे लेके जाना था इस स्टॉक को तो क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए था और एक जोरदार मोमेंट होगा तभी वो अपना ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे बायर्स आ गए, मैं दिखा देता हूं आपको पर्टिकुलर, ये जो देख रहे हो ये जोन, ओके, ये पूरा, ठीक है, इसको कंसोलिडेशन जोन बोला जाता है। इस जोन में तय होता है कि ऊपर जाएगा स्टॉक या नीचे जाएगा, जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना लंबा और अच्छा ब्रेकआउट। ठीक है, तो कितना दिन स्पेंड किया देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूं 12 जून से लेके ये लास्ट का कैंडल 5 अगस्त का है, मतलब लगभग 3 महीने इसने अपने कंसोलिडेशन जोन में बिता दिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट टाइम जो अपने रेजिस्टेंस के पास गया सेलर ने इसको नीचे ढकेल दिया, और फिर से एक बार बायर आ गए, फिर से एक बार सेलर, फिर से एक बार बायर, फिर से सेलर, बायर सेलर खेलता खेल चलता रहा, और उसके बाद ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया उसने सब खेल बिगाड़ दिया। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका था कि बायर्स को स्टॉक को ऊपर लेके जाना है। ओके, तो जब ये इसने अपना कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया तो फिर से एक बार अपना रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है, जो पहले गया था और ये सेकेंड टाइम गया, ये फर्स्ट और सेकेंड टाइम। तो यहां से क्या होगा, यहां से फिर से एक डाउनसाइड मोमेंट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है और यही पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, मैं और भी जूम कर देता हूं, यहां से एक बार रिटेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर यहां पे आ गया और सेलर ने जोर लगा दिया तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये थर्ड टाइम सपोर्ट ले रहा है, मतलब थर्ड टाइम आ रहा है अपने सपोर्ट के आसपास। और मैंने बताया कि बहुत बार अगर सपोर्ट के आसपास आ रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो वीक हो जाता है। तो मेरा एनालिसिस कहता है कि यहाँ पे आ जाएगा और एक उछांग लगा देगा। अगर नहीं आता है तो सबसे बेस्ट है, बढ़िया है, क्योंकि ये जो लेवल देख पा रहे हो ये ऊपर का, इसके अंदर ही जितना टाइम बिताएगा ये लेवल के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, जितना संभव, मतलब देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे कि 3 मंथ यहाँ पे, ये पूरे जोन में 3 मंथ बिता दिए, अगर उसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे लंबा समय उसको बिताना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुरंत 1-2 दिन 4 दिन के अंदर ऊपर जा रहा है तो ये ब्रेकआउट बोला जाता है इसको। और ये ब्रेकआउट कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें मैं अपने कोर्सेस में बता देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बन जाता है, मैं आपको थोड़ा सा रेक्टेंगल लेके दिखा देता हूँ। ओके, वेट कीजिए, इसको भी हटा देता हूँ आपके लिए। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दूंगा, तो ये हो गए उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो अभी ये जो लेवल है पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, कौन सा लेवल है, राइट साइड में देखिए 112, मतलब 110 फ्लैट पकड़ सकते हो, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन एक बार इसको ब्रेक कर दिया
तो अभी ये स्किल सपोर्ट के जैसा काम करेगा और इसके अंदर आता है तो कंसोलिडेशन जोन है, आपको पता है, मतलब अगर कोई बाय करना चाहता है तो यहाँ पे बाय कर सकता है। स्टॉप लॉस कितना लगेगा? 90 रुपीज का, मतलब 10 या 20 रुपीज का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आ जाएगा और यहाँ से वो बाय कर सकता है, अपनी लॉन्ग टर्म पोजिशन बना सकता है। लेकिन ये सब मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पज के लिए। टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। जो भी आपको करना है वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से लीजिए, जो भी ट्रेड करना है आपके लिए। खाली मैं बता रहा हूँ लेवल कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो 110 बन गया इसका सपोर्ट और 90 के आसपास बन गया इसका सेकेंड सपोर्ट। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो लेवल है बार बार जहां से नीचे आ रहा है, एक फर्स्ट टाइम आ गया और सेकेंड टाइम आ गया, कौन सा है? 130। अगर 128 एंड 30 को वो क्रैक कर देता है या ब्रेक कर देता है तो उसकी अपसाइड मोमेंट बहुत ऊपर हो सकती है। तो यही था आज का एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। उसके लिए आपको खाली सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और राइट साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको घंटी एक बार बजा देना है। जब भी मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता हूँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और बताना चाहूंगा फिर से एक बार, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम डेली फ्री में कॉल प्रोवाइड करते हैं इक्विटी के लिए। अगर किसी को हर दिन मुनाफा कमाना है वो भी फ्री में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाके आप वहां को उसको ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।